जाट नहीं तो 70 अंडे न्यूजीलैंड में। सही बात है। मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बंदे को गाड़ी में से निकाला, निकालते ही आग लगी। पूरा स्टक था वो बंदा, पूरा ऐसे बिचा हुआ था। तो गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम आए हैं कोमल मलिक के घर पे गणेश विसर्जन के लिए, और ये कोमल के बच्चे हैं। देखो ये भी व्लॉगिंग बना व्लॉगिंग कर रहे हैं, इनका व्लॉग भी जाके जरूर देखो। न्यूजीलैंड इंडियन फैमिली। यस न्यूजीलैंड इंडियन फैमिली। ये सुपर सिस्टर्स तो न्यूजीलैंड की फैमिली, न्यूजीलैंड इंडियन। क्या हो गया? मैं कहा हमारी रेजिडेंसी का 10 साल मतलब 10 तो नहीं, कितने लगे थे? मैं कहा इसकी 3 में आ जाए। सुना ले के क्या पता रेजिडेंट ही लड़का मिल जाए। तेरे मुंह में घी शक्कर, गणेश जी सुन रहे हैं। और सौरभ जब बाहर लेके जाएंगे ना तो अपनी गणेश जी के कान में तुमको भी कोई मनोकामना बोलनी है बोल देना। ओके ठीक है। तुमको भी कुछ बोलना है तो बोल देना। कीची ओ कीचू पिचू। कीचू ओ कीचू, तेरी मम्मी ने तेरे तो सुतरे कपड़े ना पहराए, तेरी बाण तो सिंगार दी दोनों, और तू देख ले वो ये फराक पराया है। जब तू बड़ी हो गई वीडियो वाडियो देखा ना, जब बताइए ठीक से। मैंने बोला भगवान सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे, शुरू मेरे से करे। चलो सेकंड नंबर मेरा। भूख लगाते हैं अब, क्या बनाया खाने के लिए? जी को भूख लगाएंगे। सौरभ कोई कपड़ा नहीं है लेके आओगे? कोई पूजा घर में ना नीचे ही एक चद्दर रखी हुई है भूख लगाने के लिए। हाँ जी मेरा पर्स लेकर की तांड है तू। वेरी वेरी नाइस। अमन तो भूख लग गई, टांगने की कोशिश कर रही हूँ बैग। ऐसा नहीं हो सकता कि कल ये टाइम
नहीं सच्ची में नहीं खाते वो, बस ऐसे टच करना होता है। तो फिर वो खा लेंगे मतलब? नहीं नहीं नहीं, पर तो फिर वो खाएंगे पर ऐसे लगेगा कि वो हाँ मतलब वो खा लिया। चलो पानी पिलाओ। रायता खिलाया? कभी नहीं। ये क्या हुआ था? दो मिनट दे दो फिर हम गणेश जी का विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे। ओके ओके गाइस, तो अभी हमें बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि गणेश जी को खाना खिलाया जा रहा है ताकि डिस्टर्ब ना हो। उनके आगे खाना रख दिया है। बोलिए क्या? और एक चीज दिखाते हूँ, ये देखो ये इन लड़कियों ने बनाई है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। ऊपर वाली बनाई है फादर्स डे पे, तो ये सबसे छह उंगलियों वाला जो पैर दिख रहा है ये कृष्णा का है, फिर काशु ऋषल ये कोमल का है, फिर इनके डैडू का है। तो गर्ल्स के लिए पिंक और बॉय के लिए ब्लू। ओह माय गॉड, गजरा भी लगा रखा है। अभी कुछ तो खानी है कि नहीं? हाँ, स्टॉप है। यप। 3-2-1 गो बोला। ओके, 3-2-1 गो। सो आई वांट टू शो यू समथिंग दैट प्रीति चाय डज नॉट नो। ओके। ओके। दिस इज माय Oh, mine. You should not ask. Okay, it is really beautiful. Nice. लड्डू है। ये आपने बनाया है? ये लड्डू है। Okay. लड्डू। तो क्या मैं यहाँ से उठा के खा सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गणेश जी की है। अच्छा। सोनाली ने तो कोई अच्छी लंबी बात बोले है। जय ऋषभ। नोटिस ही नहीं करी मैंने तो। कृषा सो के उठी, कृषा वाली होगी पायल की आवाज सुन के। अच्छा कैसे थी, क्या है यार मेरा तो हलवा, चम्मच किधर है? अच्छा ओके।
बड़े चम्मच से खाऊंगी मैं। इस प्लेट में कोई नहीं खाएगा ओके। काफी बड़ी प्लेट है। तो गाइस बहुत भूख लगी है और ये कोमल मलिक पता नहीं अभी क्या मंत्र मंत्र मार रही है पानी पे ये हमें कुछ खाने पीने नहीं दे रही है। अच्छा? और बोल रही है अभी वेट करो। इतना अच्छा हलवा देख के मेरे से तो वेट नहीं हो रहा मैंने तो बोला कि खा लो। चलो सौरभ डाल लो सारे मेरे पति खा ले। मजाक कर रही हूँ। वो रोटी बची हुई है मैंने जो प्रसाद किया है एक एक बाइट इनको भी दे देना सौरभ बच्चों को। इस कटोरी में क्या था? टमाटर। अच्छा तने के सोची कुछ मिक्स कर दिया ना ना मखा कुछ लाल लाल कुछ बढ़िया से खाने की चीज दिखे वहां कोई मिठाई मिठाई होगी। और इसमें क्या है? राइस के प्रसाद के चावल है। इतने सुंदर है। चल हट जा। अरे मैं वो कर देती हूं आप फिकर। इसका फेवरेट काम है ये। ना 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 जल्दी हो जाएगा आप वो करो फिर आप सब फिर सारे बैठ के खाएंगे। तो नहीं मेरे से राली राखी कह रही है वैसे जल्दी हो जाएगा। तो गाइस देखो ये हलवा देख के तो हो अभी टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे तो कौन खाने चला ली। टेस्टी है। तो गाइस ये है कोमल की सेहत का राज देखो कमजोर हो गई और इसने अपने रायते में कुछ अलग से मसाला मिक्स किया जो हमारे में नहीं था। लाल मिर्च डाली है हमें नहीं पता चाहे कुछ भी डाला हो ये हमारे में नहीं था ये हमें अलग दिख रहा है। देख सोनाली की में नहीं है सोनाली लाते नंबर डाल। तो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं। जाते जाते मैंने सोचा लड्डू क्यों छोड़ा ना अपना उठा के खा लूं। सोनाली ले लो सूपी ना बिल्कुल भरा हुआ है पेट। आ ले चल के मेरा घर जा जी कर जा छोड़ जाना उसे। तो गाइस एक बात बता दूं अभी 2 हफ्ते पहले ना कोमल का फोन आया मेरे पास में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। तो कोमल बोलती मैं तो वीडियो हवा में ऐड कर दूंगी ठीक है तो मैंने सीरियस होके पूछा क्या कर रही है कहाँ पे है। मैंने कहा घर पे हूँ बैठी हुई हूँ अभी नहाने जाऊंगी। मैंने कहा क्या हो गया इतनी सीरियस क्यों हो रही है। तो इसको जाना था पार्टी में ये हो गई थी रेडी और इसका घर वाला एक गाड़ी तो ले गया और दूसरी की चाबी घर ले गया। सॉरी मैं वो उस दिन तो बहुत गुस्सा आया था मेरे को सच्ची बताऊं मतलब मैं तैयार होके मैं ऐसे कि चलो बाय रोशन बाय काशु और हाथ में मेरे पूरा सामान रेडी और मैं बस चाबी उठाने के लिए ऐसे गई हूँ चाबी नहीं। सो गाइस आज के बाद से अपना पति पतियों पर नगा रखना कि दोनों चाबी ना ले जाए। इनके ना एक वो होते ट्रिक होती है स्ट्रेटजी है इनकी ना जाए चाबी ले जाओ साथ में। आज फिर मैं तो बोली मैंने छोड़ा सिटी में मखा है सिटी में छोड़ गया हूँ बावड़ी हो रही है फिर मैं इसको इधर लेने के लिए आई फिर इसने मेरे को घर छोड़ा फिर ये गाड़ी लेके गई वो वीडियो एडिट कर दूंगी मैं जहाँ पे गई थी वहां खाना बहुत स्वाद था बहुत स्वाद खाना था। ये देखो गाइस कोमल मलिक आ रही है। इसका मेरे पास अभी फोन आया कि क्या कर रही है ऐसे गुस्से से। मैं बोली मैंने कहा क्या कर दिया मैंने सुबह सुबह ऐसे गुस्से में फोन कर रही है अभी इसी से सुनते इसकी स्टोरी हां जी कोमल मलिक जी आप इतना रेडी हो गए इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गुस्सा तो सोच ले ठंडा हो गया थोड़ा काम हो गया ये तो फट जाना था मैंने ओके कोमल हैव फन बाकी की डिटेल में बताऊंगी क्या रहा आके तो गाइस कोमल आजकल न्यूज में वायरल हो रही है न्यूजीलैंड में और उसके वायरल होने का रीजन पता है क्या है? ये जा रही थी आ रही थी काम स्कूल से आ रही थी और गाड़ी थी एक्सीडेंट हो गया था तो 2-4 लोग जान बचाने के लिए लगे थे लेकिन कोमल ने एम्बुलेंस वगैरह कॉल नहीं किया इसने सीधी वीडियो बनाई। नहीं मैंने एम्बुलेंस को कॉल करा ये बकवास कर रही है एम्बुलेंस को कॉल करा और मैंने पूरा उसकी वीडियो इसलिए बनाई थी कि उनको पता रहे कि हाँ इस बंदे को ऐसे ऐसे निकाला है ताकि डॉक्टर के पास लेके जाए तो ऑपरेशन में दिखा और फिर ये न्यूज में आ गई तो इसकी जो वीडियो थी तो इसने की जो आईडी थी वो तो जाट नहीं तो ऐसे लिख रखा वीडियो बाय जाटनी 1985 पूरा हाँ पूरी जो आईडी का नाम था ना मैं पहले तो मैं अपना नाम ही चेंज करूँ साला
कम से कम कोमल तो लेके आता, कोमल मली काम देखते जाटनी तो 70 अंड है न्यूजीलैंड में। सही बात है। तो गाइस कोमल ने एक बहुत नेक काम करा, न्यूज वालों को इसने वीडियो दी, इसने अपनी आईडी पे डाली बट वो बहुत वायरल हो गई, तो फिर न्यूज वालों ने इसकी उठाई तो उन्होंने क्रेडिट दिया कि वीडियो बाय जाटनी। तो अगर आप भी कहीं जा रहे हो तो आप ये नेक काम जरूर करें, बट पहले एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाएं। ऑलरेडी पुलिस वगैरह वहां पर पूरी रेडी होने के लिए आ गए थे, आवाजें आ रही थी, बट उस बंदे को जैसे निकाला ना गाड़ी में भका भका। हाँ, वो मैंने देखी थी वीडियो, पर मेरे को ये नहीं पता था कि हमारे वीडियोग्राफर घूम रहे हैं रोडों पे। उसके ना कान में से और नाक में से खून आ गया था, उसकी ब्रेन की वो हुई है पूरी सर्जरी। तो अपडेट ले रही है उसकी। अरे उसका कजन कोई, उसका बेटा है पता नहीं के अंकल लगा उस आदमी का, वो उसने बताया मेरे को मैसेज करा इज रियली इन सीरियस कंडीशन। गॉड ब्लेस दीज बॉयज, उन लड़कों को भैया बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है जिन्होंने उसको बचाया। हाँ, एक उनमें सरदार था, एक सरदार लड़का था, एक और लड़का था जो कि इंडियन ही था बट उसका सरदार नहीं था, और एक और लेडी थी वो किसी और कम्युनिटी की थी, फिर एक कीवी भी आए थे, उन्होंने भी पूरी प्रॉपर उस बंदे को निकालने में हेल्प करी थी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो आग लगने शुरू हो गई थी, मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बंदे को गाड़ी में से निकाला, निकालते ही आग लगी, पूरा स्टक था वो बंदा, पूरा ऐसे बिचा हुआ था उसमें बेचारों ने। वैसे सोच को देख संभाली, ऐसे देख के पता चलता है कि इंसान कितना अंदर तक ऐसे, यूं लगता है उसके तो पता नहीं बैग नहीं खुले कुछ नहीं, क्योंकि उसके मुंह पे कैसे लगी मेरे तो यूं समझ में नहीं आ रहा, एयर बैग नहीं खुले होंगे गाड़ी के या तो कुछ तो होगा। चलो गाइस बाय बाय, गणपति बप्पा मोरी अगले साल फिर आएंगे, बाय बाय टाटा। बट मैं अब हेलोइन बनाएंगे। हाँ हेलोइन बनाएंगे, अब भूत बन के।